गुजरात से प्रीमियर इरिगेशन से रितेश प्रजापति। आइए देखते हैं रिलायंस क्रिकेट स्टेडियम में इंस्टॉलेशन कैसे होता है रेनगन इरिगेशन सिस्टम का। यहाँ पे फिलहाल मैं बड़ौदा में रिलायंस क्रिकेट स्टेडियम में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं ये रिलायंस क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन कैसे हुआ है। हम पहले पंप की ओर जाएंगे। यहाँ पे क्रिलोस करके 20 HP के दो पंप बिठाए गए हैं। सामने है स्टार डेल्टा पैनल दोनों पंप की। यहाँ पे पंप है 20 HP के जिसका डिस्चार्ज है 13.58 LPS और 58 मीटर हेड है। ये जो पॉइंट है ये डिलीवरी पॉइंट है और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो है उसका सक्शन। यहाँ पे अंडरग्राउंड सम्प है, सम्प में 3 इंच का सक्शन डाला हुआ है विद फुटवाल। उसके बाद यहाँ पे फ्लांजर कनेक्शन दिया हुआ है 90 डिग्री बैंड का। ये 90 डिग्री का बैंड है 90 mm का फ्लांजर कनेक्ट के साथ। उसके बाद यहाँ पे MS का पाइप लगाया गया है। यहाँ पे डिलीवरी में जॉइंट हुआ है, सक्शन में जॉइंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इसका डिलीवरी पॉइंट है, डिलीवरी पॉइंट 2.5 इंच का है। यहाँ पे 2x2.5 इंच का फ्लांज लगाया गया है फ्लांजर कनेक्शन के साथ। उसके बाद यहाँ पे बीच में NRV लगाया गया है। NRV के बाद यहाँ पे 2.5 इंच का 90 डिग्री बैंड लगाया गया है फ्लांजर। उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच का गेट वाल लगाया गया है 2.5 इंच के गेट वाल के साथ। बीच में दोनों पंप को जॉइंट करने के लिए फ्लांजर टी दिया गया है 2.5x6 इंच का। यहाँ पे ये बाईपास कनेक्शन के लिए 1.5 इंच का वाल दिया गया है जो बाईपास कनेक्शन के लिए है। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर गेज लिया गया है। यहाँ पे जो कनेक्शन है वो आप देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम, जो पंप में पानी भरने के लिए यूज होता है। उसके बाद दोनों पंप का कनेक्शन यहाँ पे जॉइंट होता है, जिसमें एक पंप वर्किंग है और एक स्टैंड बाय कंडीशन पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच का गेट वाल लगाया गया है 2.5 इंच के गेट वाल के साथ। 1 इंच का गन मेटल वाल यहाँ पे फिट किया गया है, जो मेन वाल है यहाँ का कंट्रोल वाल है। उसके बाद नीचे 6 इंच का MS बैंड S शेप में दिया गया है, पूरा फ्लांजर कनेक्शन है, जो पीछे बाहर कनेक्शन जाता है पंप से। आइए हम बाहर चलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 140 mm का बाहर फ्लांजर कनेक्शन निकला हुआ था, उसके साथ यहाँ पे हमने 90 डिग्री बैंड है 140 mm का, उसमें यहाँ पे लॉन्ग नेक कॉलर से बट वेल्डिंग किया है और उसमें यहाँ पे 140 mm का फ्लांज फिट किया है। जो पंप को कभी भी रिमूव करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। 90 डिग्री बैंड को यहाँ पे आप देख सकते हैं 140 mm HDPE बेयर पाइप है, जिसका ISA 4984 P100 है, PN10। यहाँ पे बट वेल्डिंग किया है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो दूसरा एक 90 डिग्री बैंड है जो पाइप के साथ बट वेल्डिंग किया है, और दूसरा एंड है जो शोल्डर एंड के साथ बट वेल्डिंग किया है, उस पर हमने एक 140 mm का ग्रू क्लैंप कपलर लगाया गया है। तो आप यहां से भी ये पाइप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये मेन लाइन जा रही है 140 mm की। आइए हम आगे चलते हैं रिंगमैन की ओर। यहां पे देख सकते हैं मेन लाइन है, मेन लाइन में
नीचे जो आपको दिख रहा है 140 mm बाय 40 mm का सर्विस हेडर लगाया गया है, उसके ऊपर ये 40 mm का GI पाइप लगाया गया है जो दोनों साइड थ्रेड है, उसके बाद ये 40 mm का एयर रिलीज वाल लगाया गया है। तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। आइए हम आगे चलते हैं रिंग मेन की ओर। ये यहाँ से रिंग मेन शुरू होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 140 mm का प्लेन टी है HDPE का। उसके बाद यहाँ पे हमने 140 by 110 का रिड्यूसर लगाया है, बट वेल्डिंग किया है दोनों साइड, आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारी रिंग मेन शुरू होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो रिंग मेन है वो 110 mm है, P100, PN10, जिसका IS है 4984। ये 60 मीटर का कोयल पाइप है। आइए हम आगे चलते हैं स्प्रिंकलर हाइड्रेंट की ओर। इसका फिटिंग कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंग मेन पे स्प्रिंकलर हाइड्रेंट कैसे फिट होता है। जो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है वो 110 and 40 mm का सर्विस आउटलेट है, जो कोयल पाइप पे होल गिरा के उसको फिट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप ऑरेंज कलर का जो देख रहे हैं वो है 32SH40 स्प्रिंकलर हाइड्रेंट है, जो इस तरीके से फिट होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो है ये है हाइड्रेंट ओपनर है, इस तरीके से दिखता है, जिसमें यहाँ पे ऊपर थ्रेड लगाए गए हैं। वो थ्रेड पे अभी हमारा R25 पार्ट सर्कल है जो इस तरीके से यहाँ पे लगता है। अभी हम देखते हैं वो हाइड्रेंट में स्प्रिंकलर कैसे फिट होता है। इसको एंटी क्लॉक घुमाने से ये स्प्रिंकलर हाइड्रेंट में 32SH में इस तरीके से कुछ बैठता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्प्रिंकलर फिट होने के बाद ये इस तरीके से 10 इंच का राउंड वाल बॉक्स है, जो इस तरीके से ग्राउंड लेवल पे बैठता है। दोनों स्प्रिंकलर के बीच का जो डिस्टेंस हमने रखा है 32 मीटर का। आप देख सकते हो R25S स्प्रिंकलर है, यहाँ पे हमने 18 mm नोजल उसका यूज किया है। वाल बॉक्स बैठने के बाद ऐसा ग्राउंड लेवल पे दिखता है। जब स्प्रिंकलर हम यूज़ नहीं करते हैं तो ऐसा ही ग्राउंड लेवल पे ये वाल बॉक्स ढक्कन के साथ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं पोर्टेबल पाइप कनेक्शन के लिए कनेक्शन है। यहाँ पे रिंग मेन पे 110 by 100 mm का फ्लांजेड आउटलेट टी है, उस पर हमने बिठाया है 100 mm का स्प्रिंकलर हाइड्रेंट जो फ्लांजेड कनेक्शन के साथ आता है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो ये 75 mm का SLHP वाल ओपनर है, जो यहाँ से हम लोग ये दोनों लॉक से उसको रिमूव कर सकते हैं। जब इरिगेशन करना होता है तभी इसको हम फिट करते हैं। 75 mm का SLHP 4 kg HDPE पाइप यहाँ पे पोर्टेबल के लिए दिया गया है। तो वो हमने यहाँ पे क्यों दिया गया है कि जो भी रिंग मेन में जो हमने स्प्रिंकलर लगाए हैं उसका जो डिस्टेंस है वो 32 मीटर का है। P
पीच और रिंगमैन के बीच का जो एरिया बचता है उसको कवर करने के लिए, उसका इरिगेशन पोर्शन कवर करने के लिए यहाँ पे हमने ये पोर्टेबल पाइप उसको दिए गए हैं। All right, class.